हाय फ्रेंड्स, प्रगति पर कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के बारे में कुछ बतलाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। तो इसका जन्म स्थान जो है उमेर कोट में हुआ है, वो सिंध प्रदेश में पड़ता है, जो कि अभी वर्तमान में आपको पाकिस्तान में स्थित है। पिता का जो नाम था हुमायूं, अकबर के पिता थे हुमायूं। इनके माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर का जो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का संरक्षक था बैरम खान जो है अकबर का संरक्षक है, और अकबर का वित्त मंत्री था टोडर मल। अकबर जो है बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि दिया था। बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि दिया था अकबर ने, इसको प्रदान किया था। और मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या की थी। मुबारक खान जो है ये क्या किया था, बैरम खान की हत्या किया था मुबारक। क्वेश्चन रह सकता है जैसे बैरम खान की हत्या किसने किया था, तो मुबारक खान। उसके बाद अकबर जो है पानीपत का दूसरा युद्ध जो है पानीपत का हुआ था 1556 में, जो कि अकबर के द्वारा लड़ा गया था और लड़ा था हेमू के साथ। अकबर और हेमू पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, जिसमें कि अकबर जो है विजयी हुआ था और हेमू हार गया था। अकबर जो है दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में, क्योंकि दास प्रथा जो है पहले के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित था। दासों का खरीद बिक्री भी होता था, हर एक तरह से दासों को जो है गुलाम के रूप में रखा जाता था। दास या दासियां भी थी, यानी दास प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो इसका जो है दास प्रथा का अंत जो किया था 1562 ईस्वी में किया अकबर किया। तीर्थ यात्रा कर जो लगता था, तीर्थ यात्रा कर का समाप्ति अकबर ही किया था, और वो किया था 1563 ईस्वी में। उसके बाद जजिया कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, तो उस जजिया कर को जो है अकबर ही समाप्त किया था। और वो समाप्त किया था कब, 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। उसके बाद आता आपको दीन ए इलाही की स्थापना किया था अकबर। और अकबर जो है वो दीन ए इलाही का स्थापना किया था कब, 1582 ईस्वी में। अब अकबर के द्वारा बहुत सारे जो है कि महल उहल बनवाए गए हैं, जिसमें कि जैसे आपको दीवाने आम बनवाया था अकबर, दीवाने खास अकबर के द्वारा बनाया गया, बुलंद दरवाजा का भी निर्माण अकबर ही करवाया है, पंच महल बनवाया है, मरियम महल का निर्माण करवाया है, जोधा बाई का महल का निर्माण करवाया है अकबर, आगरा के किला का जो है निर्माण करवाया अकबर। मतलब ये सब जो है अकबर जो है निर्माण करवाया था। इसके अलावा भी और भी स्थल है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया, लेकिन ये कुछ खास जो इम्पोर्टेंट स्थल है उसके बारे में हम आप लोगों को बताए हैं। उसके बाद भूमि मापन का जो ये गज था, जिसको कि इलाही गज के नाम से जाना जाता है भूमि मापन के लिए, तो भूमि मापन के लिए इलाही गज जो शुरुआत किया था वो अकबर ने ही किया था, भूमि मापन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद इसका जो सेनापति था, इसके सेनापति का नाम था मान सिंह, यानी कि अकबर का सेनापति कौन था, तो मान सिंह था अकबर का सेनापति। उसके दरबारी गायक, जैसे दरबारी गायक के रूप में तानसेन था, जिसका कि ओरिजिनल नाम था राम तनु पांडे। वैसे तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे,
मतलब नौ वो विद्वान था, जिसमें कि वही आपका आगे जैसे देखिए तानसेन, मानसिंह, ये सब जैसे जो इसी के दरबार का है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है बीरबल, बीरबल के बारे में आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। बीरबल जो है बहुत ही चतुर था। बीरबल के जो कहानी है, उसके बुद्धिमता की जो कहानी है, वो बहुत प्रसिद्ध है। और वो अकबर के ही दरबार में रहता। सोचिए कि जिसके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मौजूद है, उस शासक को क्या कर सकते हैं। तो ये जो है बीरबल, हालांकि बीरबल का जो मेन नाम था वो नाम था महेश दास, और ये उसी के दरबार में रहता था। अकबर के दरबार में जो है बीरबल रहता था। तो ऐसे इसके अलावे भी मतलब अकबर बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है। हालांकि इसको जो है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट का भी दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय सम्राट, इसको राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। अकबर को ही कहा जाता है राष्ट्रीय सम्राट, ये अकबर को ही राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया गया है। अकबर जो है धर्म के संरक्षण के मामले में भी बहुत अत्यधिक प्रचलित है, क्योंकि ये जो है हिंदू धर्म का भी संरक्षण दिया है, हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया और मैंने अनेक धर्मों का संरक्षण दिया। ये खुद हिंदू धर्म मानता था। हिंदू धर्म में जैसे आपका हमारे बिहार का अगर मानिए तो सबसे प्रचलित जो त्यौहार है छठ पूजा, वो अकबर खुद करता था। हाथों में कंगन बांधना, हाथ में कंगन बांधता था अकबर, तिलक लगाता था अकबर, ये सब जो है अकबर कार्य करता था। तो ये सब समझिए कि अकबर, तो इसीलिए अकबर को राष्ट्रीय सम्राट का जो है दर्जा दिया गया है। और विशेष जो है मुख्य रूप से बात आता है कि अकबर का मृत्यु कब हुआ था। इसका मृत्यु जो हुआ था 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो गया था। तो इस तरह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में बनाए हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपके लिए जो है कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ट्वेल्थ के लिए तो है जो है, लेकिन इसके अलावे कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।